गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर मॉर्निंग। सो वी आर गोइंग टुंगना टेंपल। सो मैं और आलोक भैया रेडी ऑल सेट। ये हमारे फिल्म राइडर सुमित के पीछे बैठने वाले सुमित। गुड मॉर्निंग गाइस। और एप्पल ये कहाँ है, इनसे मिल लो। अमन भाई ये बेचारे बहुत डिप्रेशन में है दो चार दिन से। ठीक है फिर चलो, लोकेशन चेक कर लो, जंगल है पूरा। तो हम टुंगनाथ मंदिर जा रहे हैं और तुंगनाथ मंदिर में पूरे जंगल से होता हुआ रास्ता, फिर आगे चल के भी ट्रेन पहाड़ आ जाएंगे। तो केवल फिर हमें जो दिखना है वो पहाड़ ही पहाड़ दिखने हैं। तो लोकेशन चेक कर लो, यहाँ भीड़ मतलब जैसे और जगह जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती रहती हैं उतना यहाँ पे रश नहीं है, बहुत साइलेंट ही रोड है। लेकिन यहाँ से जानवर वानवर इसमें से निकल आते हैं, आपके जैसे हिरन वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती रहती हैं। बाकी का चलते आगे सीधा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बंकर हाउस है। गाइस चढ़ाई स्टार्ट। कहाँ जा रहे हैं सुमित भाई, हम लोग बताना जरा। टुंगनाथ टेंपल मतलब संसार का सबसे ऊंचा मंदिर है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बाकी का ये हमारे छोटे डॉन जा रहे हैं। दिस इज पंचम केदार। पंचम केदार छोटे डॉन जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? छोटे डॉन हर हर महादेव बोलो। हेलो भैया, कह रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट टेंपल पे जा रहे हो आप? शिवा टेंपल है ना, शिवा टेंपल। तो भगवान के दर्शन ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे। इनसे कह दो अलग हट जाए, मेरे ब्लॉग में ना आए, नहीं तो फिर वैसे मुझे क्रॉप ही करना पड़ेगा। जंगल खबर के लिए 500 मीटर चलेगा चले। भाई लोग गाने के साथ साथ फुल मजे लेते हुए जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हो भाई कहाँ से हो? मैं ग्वालियर। भाई ग्वालियर से आए, आगरा से। आगरा से हम लोग भी है ना। अरे भाई है ना, भाई मजा तो फुल आ रहा है, लेकिन जो इंजन में से ऑयल खत्म हो रहा है, बस है ना, एंटीऑक्सीडेंट रिलीज हो रहा है। हाँ और ये स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। ब्लॉगिंग करते हो भाई? हाँ मोटर ब्लॉगिंग, मिस्टर आगरा रेड। गाइस आर्मी वाले सिटी में जा रहे हैं, नीचे कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पे आप कहीं से भी अगर शॉट मारते हैं, जैसे यहाँ से आप निकल आते हैं, या फिर वो जैसे वो लड़के शॉट मार रहे हैं, तो ना पुलिस वाले सीधा फाइन मारते हैं यहाँ पे जो भी है। अगेन बोलो हर हर महादेव। बोलो जरा भोलेनाथ। ओके कहाँ जा रहे हो? तुमना जा रहे हो? मैं भी चलूँ आपके साथ। ओके तो अपन लोग दोस्त। ओके क्या शुभ नेम है आपका? अच्छा कहाँ से आए हो? हरिद्वार से आप? ठीक है, कभी आगरा हो ताजमहल देखने तो मेरे को कॉल करना। ठीक है किस पे करोगे कॉल? नंबर तो है नहीं, इंस्टाग्राम है मेरा, उस पे कर लेना। ठीक है मैं बता जा रहा हूँ आपको, बता जाऊँ? ठीक है मिस्टर आगरा राइडर के नाम से। ठीक है मिस्टर आगरा राइडर। हाँ ठीक है
खा रहे हैं लोग, बाग शहर से पेड़ काट के उत्तराखंड पेड़ देखने आ रहे हैं। इधर लाइन लगा हुआ है के बाद एसेसरीज अलग से आती है इसकी। अभी थोड़ा सा ही हमने वहाँ से स्टार्ट किया था चलना, यहाँ तक आ पाए हैं। अभी जाना है वहाँ है, बाकी का अंकल हमारे साथ जुड़ गए, भैया हमारे साथ जुड़ गए। अंकल तो यही लोकल से ही है, ये भी अंकल लोकल से ही है ना। भैया फर्स्ट टाइम आना हुआ आपका? हाँ इधर फर्स्ट टाइम। अंकल यहीं से, अंकल भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा सेकंड टाइम आना हुआ। एक चीज़ बाबा ने विल पावर है ना, उसको रखना चाहिए। नई सरकार से आप सीधे बाहर हो गए जी? नई सरकार बनते ही आप यात्रा पे निकल गए? नहीं नहीं, हम तो कब से यात्रा कर रहे हैं। सारे इंडिया कौन से ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं गए हैं। ऐसा देखिए 10,000 सीढ़ियाँ हैं ना गिरनार में, तो 10,000 सीढ़ियाँ वहाँ दो बार जा चुके हैं हम। हर हर महादेव। आपने हमारे साथ है, मैं उठा लूंगा अंकल आपको। आगे बैठो हो जाएंगे हमने, और आगे जाओ, आगे जाओ। अरे बैठो वो बैठो। अरे बैठ लो भाई, जोड़े वाले ज्यादा दुखी हैं, याद रखना। यहाँ पे पूछ के देख लेना, 100 में से 90 100 में से 90 ये बोलेंगे भाई गलती हो गई है। जय हो कल्याण, भगवान आप लोगों की यात्रा मंगलमय करे। कितना भयंकर सीन है वो, एक फोन से फोटो खींच दिया यार। तो फाइनली वहाँ से दर्शन करके निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। तो अब क्या हालत चाहिए होगा बद्रीनाथ होता बीच में, हो सकता कुछ खाने के लिए रुकेंगे हम लोग, है ना। हो सकता बना भी देते हैं, हो सकता है बजा खाई देख रहे यार। अभी मिस्टेक ऑन द स्पॉट आप आगे ले लो। बद्रीनाथ के लिए जा रहे हो और भाई मौसम देखो भाई, बारिश अभी हुई है और फिर बारिश जैसा ही मौसम है पूरा, और पता नहीं कैसे पहुंचने वाले हम लोग, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन बस भाई पहुंचना है यार, होटल बुक है और बारिश आ गई तो फंस जाएंगे हम लोग तो यार। मैं और अमन भाई दोनों लटक गए यार, और सभी लोग आगे निकल गए। हमें तेल डलाना था, हमने तेल डलाया अभी गाड़ी में, तो
भाई डर भी लग रहा है कि यार बारिश का माहौल है, बाइक स्लिप स्लिप ना हो जाए, है ना। तो बाकी अब चल रहे हैं हम लोग, और जैसा भी जो भी होता है व्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। चलते हैं।